अमृतसर सचखंड दरबार साहब के पास तीसरा आज बम धमाका हो गया, जो कि चिंता का विषय है। इसकी जितनी भी निखेधी की जाए उतनी ही कम है, लेकिन पहले जो दो बम धमाके हुए थे, मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को उसमें कुछ चूक हुई है और उतनी तेजी से आगे हम नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन मैं श्रोमणी कमेटी के रोल को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने आज उन मुजरिमों को पकड़ा दिया है, और श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने जिस तरह से संयम दिखाया है ये काबिले तारीफ है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि सुरक्षा एजेंसियों को और आज सुचेत रहने की जरूरत है। हम बरूद के ढेर पे हैं, हम सरहद पे बैठे हुए हैं, और विदेशी मुल्क, खास करके पड़ोसी मुल्क, हमें कमजोर करने में लगा हुआ है। हमारे देश को कमजोर करना चाहता है, हमें आपसी लड़ाना चाहता है। और इसलिए मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर के इस पंजाब में अमन शांति का माहौल बनाए रखें, कोई भी ऐसा बयान ना दे, कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे इस देश का, इस पंजाब का माहौल खराब हो। हमने पहले भी बहुत संताप हंडाया है, आज जरूरत है आपसी विश्वास बना के रखने की, आपसी भाईचारा बना के रखने की।